नेक्स्ट देखो ड्रॉबैक्स इसके क्या है, ये जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन के बारे में भी नहीं बता पाए। कुछ सर्फेस के ऊपर जब भी लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, नहीं तो पार्शियल रिफ्लेक्शन के बारे में ये नहीं बता पाए। रिफ्रैक्शन एट अ सर्फेस ये भी ये सही ढंग से नहीं बता पाए। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके बारे में भी ये थियरी नहीं बता पाई। इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन, ऑफकोर्स न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थियरी में ये चीजें थी नहीं, पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि बाद में ये इवॉल्व हो गई चीजें। नेक्स्ट है, उन्होंने क्या बोला, स्पीड ऑफ अ लाइट डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ रेयरर मीडियम। तो देखो ना, उन्होंने क्या बोला, अगर सॉलिड है मेरे पास तो वहां से लाइट फास्ट जाएगी एज कम्पेयर टू एयर, लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला कि अलग है कि नहीं, डिफरेंट है। सो ही प्रेडिक्टेड स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ डेंसर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ रेयरर। तो ये एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग प्रूव किया गया और उसके ऊपर जो काम किया था वो फोकॉल्ट इन्होंने किया था, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो थियरी थी स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ डेंसर इज ग्रेटर देन अ स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ रेयरर, ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। इसको कौन फॉलो करेगा भाई, अभी एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूव कर दिया आपने कि हवा में या वैक्यूम में लाइट फास्ट जाती है तो सॉलिड में नहीं जाएगी, है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स जब भी देखो, यहाँ से अगर कोई भी पार्टिकल्स एनर्जी भेज रहे या फिर इन्होंने जो बोला था कॉर्पसल्स मूव होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ओवरऑल मास कम हो जाना चाहिए ना वो ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप बल्ब देखते हो, है कि नहीं, तो बल्ब से तो लाइट ग्लो हो रही है, बल्ब का साइज थोड़ी चेंज होता है। सन देखो ना, सन का साइज थोड़ी चेंज हो रहा है, अभी होता भी होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर एक ओवरऑल बल्ब देखते हो तो उसका साइज चेंज नहीं होता। एक मोमबत्ती देखो ना, मोमबत्ती तो मोमबत्ती के ऊपर जो लाइट है ना, ऊपर ऊपर वाली लाइट, हम मोम के बारे में बात नहीं कर रहे, ऊपर वाली जो लाइट है उसकी साइज किधर चेंज हो रही है, नहीं हो रही है ना। अभी आप बोलेंगे तो मोमबत्ती तो कम हो रही है, वैसा नहीं भाई, एक आइडियल कंसिडरेशन में जाना होता है, हमेशा थोड़ी आप एडे जैसा क्वेश्चन पूछोगे, है ना। पार्टिकल्स जो है वो मास एमिट करता है तो मास डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ओवरऑल जब भी लाइट का सोर्स लाइट एमिट करता है तो उसके मास में कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी के ओवरऑल पॉइंट्स देखे और उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स जो है वो अच्छे से डिस्कस किए।